हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या हूँ, 2020 की बुलेरो पिकअप ट्रक जो BS6 नॉम्स अभी तक नहीं आई है और ये भी फौरी बिक रही है। अभी तक पता नहीं सरकार कब लाएगी इसकी। कुछ हेडलाइट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया गया, वही पुराना क्रोम इसकी ग्रिल दी गई है, वही टाइप का। कुछ इसमें एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया गया है 2020 में भी, और ना BS6 इसको की गई है। ये ओनर अलग से लगा रखे हैं ओनर ने, और ये आप देख सकते हो इस साइड से इस प्रकार की दिख रही है। 3M के पट्टे लगा दिए कंपनी ने। टायर भी इसमें वही पुराने हैं, 19 इंच के, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये बुलेरो की बैचिंग, और ये साइड का मिरर, कुछ भी कंपनी ने चेंज नहीं किया है। अंदर इंटीरियर भी वही का वही है। मैं आपको चाबी नहीं है तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इसका। अब आपको इसका बॉडी वर्क दिखा देता हूँ, जो बॉडी वर्क इसके लिए आई है वो आपको दिखा देता हूँ, इसमें किस प्रकार का बॉडी वर्क। अब इसका डे पहला पहला दिन है, तो पहले दिन में कितना काम हुआ है, किस प्रकार का काम हुआ है वो आप देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर आ रहा है। देखो, पूरी स्लंग प्लेट डाली हुई है, यहाँ वेल्डिंग की हुई है, इस साइड वेल्डिंग की हुई है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मजबूत वेल्डिंग की हुई है और यहाँ पे कलर हो जाएगा, आपको जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। मजबूती के कारण यहाँ पे वेल्डिंग मारी जाती है। और ये इसका साइड को बॉर्डर बोला जाता है, जो काफ़ी इसको साइड से अच्छा लुक देगा, काफ़ी बढ़िया लगेगी। और ये आप पूरी प्लेट देख सकते हैं, सामने की साइड भी पूरी प्लेट है, कोई भी जॉइंट नहीं है पूरी। और यहाँ पे इस तरफ लकड़ी की पट्टी आएगी जो वो दिख रही है। अभी तक आपने देखी हो सब लोहे की बुलेरो देखी, ये लकड़ी की बनेगी अलग से, वुड की। इसमें साइड में वुड आ जाएगा डिज़ाइन करके, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और गाइस, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके की नॉलेज वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, और मैं इस गाड़ी की लास्ट तक दिखाऊँगा। आप पूरा देखना, इस जो आपको प्रिंट के साथ में मिल जाएगी, कैसे प्रिंट किया जाता है और लकड़े का वर्क कैसे होगा इसमें, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिजाइन की। अब इसमें देख सकते हैं आप, पूरी प्लेट डाली हुई है वहाँ से लेके पूरी स्लंग, और इसमें एक भी जॉइंट नहीं है बीच में, खाली एक साइड में जॉइंट आता है। जिस वो जो पूरी लाइन बढ़ती गई है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं कहीं से। ये 5 mm की एंगल है जो काफ़ी मजबूत है, और ये साइड में पार्टियाँ भराने के लिए पीछे के जो फाटक बोलते हैं वो फाटक के लिए जगह रखी जाती है। और ये आप देख सकते हैं इसका फालका जो अलग से बनाया गया है, जो काफ़ी ज़रूरत के अनुसार उसकी लंबाई की जाती है, जितनी ज़रूरत हो उतना लंबा हम कर देते हैं। और काफ़ी मजबूत है और काफ़ी हैवी है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं, जिसमें 4 आदमी अगर पीछे बैठते हैं, डाल पे लोड भी रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पीछे की जाली है, अगर गाड़ी कहीं पीछे टकराती है तो आपकी लाइट की सेफ्टी के लिए। ये पीछे सी बम्पर दे दिया गया है, तो कोई भी बाइक वगैरह आपको ठोके तो गाड़ी में नुकसान ना हो, तो आपको मजबूत बम्पर दिया गया है, इस पर आप खड़े होकर चढ़ भी सकते हो। और ये स्टेपनी निकालने के लिए जगह छोड़ दी है, स्टेपनी के टायर वगैरह के लिए। और इस साइड के मजे कर, ये साइड जिसे आप देख सकते हो बॉर्डर कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, और ये कोनिया लगा दिया है जिससे कि पीछे की तरफ जाए नहीं, ये मजाकरा लगा दिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हो। काफ़ी शानदार लग रही है गाड़ी। कमेंट करके बताना अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आई हो, या डिज़ाइन में कुछ अलग करना हो तो मेरे को भी सजेस्ट करना। अब आप देख सकते हो साइड का लुक कुछ इस प्रकार से आ रहा है, गाड़ी को कलर करने के बाद में और भी शानदार आएगा। साइड में वही का वही है, आगे केबिन में कुछ भी चेंज नहीं किया कंपनी ने, वही का वही है 2020 में। ये आप इसकी साइड की प्रोफाइल देख सकते हो, ये इसकी पीछे की साइड में जो पाइप वगैरह यूज़ किया हुआ है। अभी आप नीचे की साइड में आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये चैनल डाल दी गई इसके नीचे, जिससे बॉडी कभी बैठेगी नहीं। ये सी चैनल बोलते हैं, 100 mm की आती है चैनल, जो इसके अंदर आड़ी के अंदर डाल दी गई है, जिससे बैंड नहीं होगी नीचे से, जो ज़्यादातर बैंड हो जाती है, और जो फ्यूल का टैंक आता है उसको भी डैमेज कर देती है, इसलिए यहाँ पर ये यूज़ की हुई है। ये काफ़ी यूज़फुल है, बॉडी को उतार के इनको अलग से डाला जाता है, फिर नट बोल्ट वापस टाइट किए जाते हैं। आप देख सकते हो फ्यूल कैप भी इससे, टैंक भी इससे सेफ रहेगा, और गाड़ी में आप अगर हैवी लोड भरते हो ना तो भी उससे अच्छा रहेगा। ये आप ज़रूर करवाएं, चाहे यहाँ से करवाएं चाहे और कहीं से भी करवाएं, लेकिन आप नई गाड़ी लेके आते हैं तो गाइस ये ज़रूर करवाएं। पार्टियों के साथ ये काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप 2-2.5 टन भरते हो तो बॉडी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती होगी, ये आपने भी महसूस किया होगा अदर गाड़ियों में। तो आप इस तरह के अगर रखें, और अब मैं आपको इसका लकड़े का वर्क होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी दूसरे दिन ये लकड़ी तैयार हो गई, अब ये लकड़ी का वर्क देखो आप, इस प्रकार से किया हुआ है, ये साइड में डिज़ाइन की हुई है, और इसको फिनिशिंग करके एक तैयार किया गया है, फिर इसको साइड में लगा दिया जाएगा ड्रिल से होल करके, और काफ़ी नट बोल्ट में इसको फिक्स किया जाएगा, फिर इस पर कलर हो जाएगा। आप डिज़ाइन देख सकते हैं, अब साइड में इसमें हैमर मारा हुआ है ग्राइंडर, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन आई है। और ये डिज़ाइन मैन्युअली हाथ से की जाती है साइड वाली,
जो, और आप पट्टी का साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी थिकनेस इसकी, कम से कम 40 mm की थिकनेस है इसकी। और इसमें ये जो शक्कर पर रखी है, इसमें अलग अलग कलर के अलग अलग डिज़ाइन आ जाएंगे, वो आपको मैं कलर होने के बाद में दिखा दूंगा। या भी इसकी थिकनेस देख लीजिए, कम से कम 35 mm से 40 mm इसकी थिकनेस है, जो काफ़ी बैंड नहीं होगी और टूटेगी नहीं। और ये ग्राइंडर की इसीलिए रफ़ किया जाता है कि कलर की स्ट्रेंथ बनी रहे और कलर छोटे, और ये इसके नीचे आ जाएगी, वो उसके ऊपर आ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे क्या है, गाड़ी के डिज़ाइन में अलग ही प्रभाव पड़ेगा बनने के बाद में, आप देख लेना, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये इस तरीके से पंखा लगाया जाता है, जो कंपनी के पंखे हमने निकाल दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं नए पंखों से। और ये जो 16 mm 16 गेज बोलते हैं, 16 गेज की जो प्लेट आती है चादर, इससे ये पंखे बना दिए गए हैं। आप देख, काफ़ी मजबूत पंखे हैं ये कंपनी के मुकाबले, काफ़ी अच्छे। अब ये देख सकते हैं, इसका तीसरा दिन है, ये तीसरे दिन में तैयार हो चुकी है, कलर के लिए रेडी है। अब कलर बाकी है खाली इसमें। अभी देखो इस प्रकार से, इसमें पहले रेड कोट मारा जाता है इसमें, जिसको अस्तर बोला जाता है, फिर इसमें लापी का एक कोट मारा जाता है, जो भी लापी मार के पेंटर ने घस भी दिया है इसको वापस। और इसमें अब कलर आ जाएंगे अलग अलग, ये वाइट कलर हो जाएगा, ये आंकड़े आ गए। आप साइड में देख सकते हैं, इस पर भी एक इंगल रखी गई है अलग से, और नीचे भी एक इंगल रखी गई है। और ये फाटा बॉक्स बना दिया गया है, जिसमें जो पीछे के पार्टी है वो इसमें डाल दिए जाएंगे, यूज़ ना हो तो इनके अंदर डाल सकते हैं, बाकी फिर पीछे यूज़ कर सकते हैं। साइड में से कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल दिख रही है इसकी, आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार लग रही है बिना कलर के। अभी कलर इसका बाकी है, ये पीछे का बत्ता, ये साइड में साकल वगैरह सब लगा दिए है। अभी इसकी सारी एसेसरी हो चुकी है पूरी, अब खाली पेंट वर्क बाकी है। देख सकते, नीचे का एस वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, ये हुक वगैरह इसमें डाला बंद हो जाएगा आपका, ये हुक इसीलिए लगाया गया है। अभी पीछे की बैक साइड का देख सकते हैं, पीठ का भाग, ये अंदर पाटे लगा दिए गए हैं, और ताज़ा पेंट मारा हुआ है अंदर से, जिसको रस्तर बोलता था, रेड ऑक्साइड, और रेड ऑक्साइड मारा हुआ, ये अलग से इंगल लगा के इस पर मजाकरा वेल्डिंग होता है, जिससे फालका ज़्यादा मजबूत रहे और टूटे नहीं, क्योंकि कंपनी का पतरा बहुत थिकनेस कम में आता है इसलिए। ये देख सकते हैं आप, पीछे की तरफ चादर मार दी, इसमें पट्टियाँ मार दी गई है, ताकि माल भरो तो आप केबिन के अंदर ना जाए और ग्लास को टच ना हो, ग्लास डैमेज ना हो। ये पीछे का बत्ता दिया है, ये बत्ता भी फोल्डिंग आता है, जिसमें कोई नट बोल्ट नहीं, आप आराम से हाथ मार के निकाल सकते हैं, और आराम से निकल जाता है और आराम से ही फिट हो जाता है। अब मैं आपको इसके नीचे का भाग के दिखा देता हूँ, नीचे में क्या क्या न्यू किया गया है। एक तो यहाँ आंकड़े लगा दिए गए हैं, जाली जाली भी काफ़ी मजबूत बनाई गई है, मैंने आपको दिखा दिया था शायद पहले वीडियो में। अब इसमें भी देखिए आप, इसमें बॉम्बे शोल्डर वगैरह भर दिया गया है, जिससे कार जिसे रोस्ट ना होए, जंग ना लगे। और ये इस तरीके से इसको मजबूत है के लिए, ये मजाकरे भी देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत मारे हुए हैं। और ये आंकड़े मार दिए इसमें 5, और ऊपर बॉम्बे शोल्डर का एक कोट भर दिया गया, और फिर वहाँ पर लापी भर दी गई है, जो काफ़ी कलर के बाद में काफ़ी स्ट्रेंथ देती है कलर को चिपके रहने में। ये इस साइड में आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। और ये बॉर्डर में जब कलर हो जाएगा तो काफ़ी शानदार लगेगी गाड़ी। मैं आपको कलर होने के बाद में, आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, अब नहीं आया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, मेरे वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो वगैरह, जो काफ़ी शानदार लगेगी। ये पंखे वगैरह के लिए आपको दिखाई दिया था, इसमें खाली एक होल कर दिया गया अलग, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें अब रबड़ लगाने के लिए अलग से, इसमें देखो ये होल कर दिए गए हैं, जिसमें आप अलग से रबड़ नीचे लगा सकते हो, जिससे कीचड़ बाहर ना निकले। और गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को दबा देना, तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ।